अध्याय 10। हिरोशिमा के पीड़ा कविता। अध्ययन से पूर्व, पिताजी आड़ू बम क्या होता है? बच्चों, आड़ू बम विषैले पदार्थों से बना होता है। इनकी शोध वैज्ञानिक द्वारा होती है। क्या ये हमारे लिए लाभकारी है या नहीं? कविता का मूल तत्व, हिरोशिमा नागासाकी पर हुए परमाणु हमले ने न सिर्फ जापान बल्कि पूरे विश्व को परमाणु शक्ति के दुष्परिणाम दिखाए। किसी रात को मेरी नींद अचानक उठ जाती है, आंखें खुल जाती हैं। मैं सोचने लगता हूँ कि जिन वैज्ञानिकों ने अणु अस्त्रों का आविष्कार किया था, वे हिरोशिमा नागासाकी के भीषण नरसंहार के समाचार सुनकर रात को कैसे सो पाएंगे? क्या उन्हें एक क्षण के लिए सही ये अनुभूति नहीं हुई कि उनके हाथों जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ? यदि हुई तो वक्त उन्हें कटघरे में खड़ा नहीं करेगा, किंतु यदि नहीं हुई तो इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। अटल बिहारी वाजपेयी, शब्दार्थ उचट खुल जाना, अस्त्रो बम भीषण भयंकर, क्षण पल अनुभूति, जानने की इच्छा, इतिहास बीता हुआ काल, उच्चारण करें कटघरे, वैज्ञानिकों, अणु आविष्कार, हिरोशिमा नरसंहार, अध्यापन संकेत, शिक्षक शिक्षिका कविता के माध्यम से बच्चों को जापान के दोनों राज्य हिरोशिमा व नागासाकी से परिचित करवाएं। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। प्रश्न एक, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। का, अचानक किसकी नींद उचट जाती है? उत्तर, अचानक लेखक की नींद उचट जाती है। ख, कौन नरसंहार का समाचार सुनकर नहीं सोए होंगे? उत्तर, अणु अस्त्रों का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक नरसंहार का समाचार सुनकर नहीं सोए होंगे। ग, इतिहास किसको माफ नहीं करेगा? उत्तर, अणु बम के आविष्कारकों को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। घ, प्रस्तुत घटना किस देश में हुई? उत्तर, प्रस्तुत घटना जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी में हुई थी। जरा लिखिए। प्रश्न दो, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, परमाणु अस्त्रों का प्रयोग हमारे लिए कितना उचित है? उत्तर, देश के विकास में किए जाने वाले कार्यों में परमाणु अस्त्र का प्रयोग उचित होता, ना कि नरसंहार करने में। ख, परमाणु बम बनाने के क्या दुष्परिणाम सामने आए? उत्तर, परमाणु बम बनाने से भले ही कोई देश जीत गया, परंतु मानवता हार गई, जिसके कई पीढ़ियां विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो गई। ग, प्रस्तुत कविता में किसकी दुखद घटना ने इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी? उत्तर, प्रस्तुत कविता में हिरोशिमा नागासाकी पर हुए परमाणु हथियारों के आक्रमण ने इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी। घ, कवि वैज्ञानिकों से क्या पूछना चाहता है और क्यों? उत्तर, कवि वैज्ञानिकों से यह पूछना चाहता है कि ऐसा नरसंहार देखकर भी क्या उन्हें रात में नींद आई? क्या उन्हें किसी क्षण इस बात की अनुभूति हुई कि उनके हाथों जो हुआ वह अच्छा नहीं हुआ? प्रश्न तीन, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क, हिरोशिमा नागासाकी पर किन अस्त्रों का प्रयोग हुआ? गोलेबाजी, तोप, तीर कमान, परमाणु। उत्तर, परमाणु। ख, हिरोशिमा नागासाकी की घटना का जिम्मेदार कवि ने किसको बताया है? समाचार को, वैज्ञानिकों को, लोगों को, किसी को नहीं? उत्तर, वैज्ञानिकों को। ग, परमाणु बम के कारण जापान में क्या हुआ? उत्सव, विजय घोष, नरसंहार, उल्लास। उत्तर, नरसंहार। घ, वैज्ञानिकों ने हिरोशिमा नागासाकी के लिए किसका आविष्कार किया? अनुभूति का, परमाणु बम का, नींद का, सभी का? उत्तर, परमाणु बम का। प्रश्न चार, सही मिलान कीजिए। क, अस्त्र। उत्तर, परमाणु। ख, प्रलय। उत्तर, अनुभूति। ग, इतिहास। उत्तर, मानवता। घ, नरसंहार। उत्तर, जापान। प्रश्न पाँच, दिए गए शब्दों से वाक्य प्रयोग कीजिए। क, आविष्कार। उत्तर, वर्तमान युग आविष्कार का युग है। ख, नींद। उत्तर, बेहतर स्वास्थ्य के लिए हमें भरपूर नींद लेनी चाहिए। ग, भीषण।
उत्तर, कल भीषण आंधी के साथ तेज बारिश भी हुई थी। घ, समाचार। उत्तर, अपने मित्र के विवाह का समाचार सुनकर मुझे अति प्रसन्नता हुई। प्रश्न 6, यदि प्रलय हुई तो वक्त उन्हें कटघरे में खड़ा नहीं करेगा, किंतु यदि नहीं हुई तो इतिहास कभी उन्हें माफ नहीं करेगा। उपयुक्त पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। जरा सोचिए। प्रश्न 7, युद्ध क्यों होते हैं? युद्ध करना उचित है? यदि नहीं तो क्यों नहीं? यदि हाँ तो क्यों? सोच कर लिखिए। प्रश्न 8, परमाणु बम का प्रयोग होने के बाद जापान में नरसंहार हुआ, आपको क्या लगता है कि उन वैज्ञानिकों को अपना आविष्कार पर गर्व हुआ होगा या अफसोस? आपस में चर्चा कीजिए। जरा भाषा पर गौर कीजिए। प्रश्न 9, दिए गए शब्दों में से उपसर्ग व प्रत्यय अलग कीजिए। क, आविष्कार। उत्तर, उपसर्ग आ, प्रत्यय अ। ख, विदेशी। उत्तर, उपसर्ग वी, प्रत्यय ई। ग, इकलौता। उत्तर, उपसर्ग इक, प्रत्यय ता। घ, प्रायोगिक। उत्तर, उपसर्ग प्र, प्रत्यय एक। प्रश्न 10, दिए गए वाक्यों में काल का रूप बताइए। क, हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु हमला हुआ। उत्तर, भूतकाल। ख, परमाणु हमले का प्रभाव आज भी दिखता है। उत्तर, वर्तमान काल। ग, जापान के दो शहर पूरी तरह तहस नहस हो चुके थे। उत्तर, भूतकाल। घ, जापान आज भी उन्नति के शिखर पर अपना परचम लहरा रहा है। उत्तर, वर्तमान काल। प्रश्न 11, दिए गए मुहावरों का वाक्य प्रयोग कीजिए। क, दांत खट्टे करना। उत्तर, भारतीयों ने स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। ख, जले पर नमक छिड़कना। इस दुनिया में जले पर नमक छिड़कने वालों की कमी थोड़ी थी जो तुम और आ गए। ग, गर्दन पर सवार होना। उत्तर, रमेश कहने को तो मेरा दोस्त बनता था, लेकिन सिर्फ 500 रुपए के लिए मेरी गर्दन पर सवार हो गया। घ, अपने पैरों पर खड़ा होना। उत्तर, रवीना के बेटे को नौकरी करते देखकर दिव्या ने कहा कि हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। प्रश्न 12, नीचे दी गई लोकोक्तियों के अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। क, ऊंट के मुंह में जीरा। उत्तर, जरूरत से कम वस्तु का मिलना। गांव में रहने वाले चाचा जी हमारे यहाँ आए तो छोटी सी कटोरी में दाल देखकर हंस पड़े और बोले, ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात चरितार्थ हो गई। ख, डूबते को तिनके का सहारा। उत्तर, विपत्ति में पड़े हुए मनुष्य को थोड़ा सहारा प्राप्त होना। आर्थिक स्थिति खराब चल रही थी, ऐसे में घर में चूल्हा भी नहीं जल पा रहा था। अचानक से एक पुराने पर्स में 4 का एक नोट पड़ा मिला तो परिवार वाले बहुत खुश हुए। इसे कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। ग, हीरे की कद्र जौहरी जाने। उत्तर, गुणी व्यक्ति का मूल्य गुणवान व्यक्ति ही समझता है। मेरे बेटे ने पटना मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की पढ़ाई पास की। 2 साल तक वह अच्छे अस्पताल में नौकरी कोशिश करता रहा, पर उसे अच्छी नौकरी नहीं मिली। हार कर उसने ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई किया। उन लोगों ने उसे तुरंत बुला लिया। सच ही कहा गया है कि हीरे की परख जौहरी ही जानता है। घ, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। उत्तर, एक खराब चीज सारी चीजों को खराब कर देती है। कुछ मुनाफाखोरों की वजह से संपूर्ण व्यापारी वर्ग बदनाम हो रहा है। सही कहा गया है, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। प्रश्न 13, दिए गए शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। क, सर्वश्रेष्ठ। उत्तर, सर्वजमा श्रेष्ठ, बहुव्रीहि समास। ख, मानवता। उत्तर, मानव जमा ता, तत्पुरुष समास। ग, यथा संभव। यथा जमा संभव, बहुव्रीहि समास। घ, शोकमग्न। उत्तर, शोक जमा गमन, तत्पुरुष समास। प्रश्न 14, दिए गए वाक्यांश को शुद्ध रूप में लिखिए। क, तुमने शत्रु को लोहे के चने चबाए। उत्तर, तुमने तो शत्रु को लोहे के चने चबवा दिए। ख, देश में सर्वस्व शांति व्याप्त है। उत्तर, देश में सर्वस्व शांति व्याप्त है। ग, माफ कर देना ही बड़ाई है।
उत्तर माफ कर देने में ही बड़े हैं। घ, देश पर प्राण कुर्बान करना सैनिक का कर्तव्य है। उत्तर, देश के लिए प्राण कुर्बान करना सैनिक का कर्तव्य है। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। प्रश्न 15। परमाणु हमले से जापान का विकास पूरी तरह से खत्म हो चुका था, परंतु आज भी जापान विकास के शिखर पर है। इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं? अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 16। कालांतर में हो रहे युद्धों ने मानवता को शर्मसार किया है। इन युद्ध के संबंध में जानकारी एकत्रित कर उनके कारणों को जानने का प्रयास कीजिए और अपने शब्दों में लिखिए। जरा दिमाग लगाइए। प्रश्न 17। नीचे कुछ देशों के नाम दिए जा रहे हैं, बूझकर बताइए कि द्वितीय विश्व युद्ध में किन देशों ने अपनी भागीदारी की। सोच कर लिखिए। क, अमेरिका, जापान, भारत, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, जर्मनी, चीन, यूगोस्लाविया, इटली, मिस्र, पाकिस्तान, श्रीलंका। उत्तर, फ्रांस, पोलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, रूस, जर्मनी, जापान। ख, हिरोशिमा नागासाकी पर जिन दो परमाणु बमों को गिराया गया उनका नाम बताइए। उत्तर, फैट मैन, लिटिल बॉय। ग, नीचे कुछ नाम दिए जा रहे हैं, सोचकर बताइए परमाणु बम से खतरनाक कौन सा बम हो सकता है। नाम बताइए। नाइट्रोजन बम, हाइड्रोजन बम, न्यूक्लियर बम। उत्तर, हाइड्रोजन बम। जीवन कौशल एवं मूल्य पर प्रश्न। प्रश्न 18। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। जापान पर हमला कर अमेरिका मानवता से हार गया। आप मानवता को विजय बनाने के लिए क्या प्रयास करना चाहेंगे?